यूपी में चुनाव का जोर और सियासी शोर है। नेताओं की बयानबाजी और दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। इसी क्रम में कांग्रेस को सोनिया गांधी के गढ़ में झटका लगा है। रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस की बागी विधायक चुनी गई अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वो पिछले काफी समय से बीजेपी में जाने की कोशिश में थी और आखिरकार अब उन्होंने हाथ छोड़कर कमल का दामन थाम लिया है। अदिति सिंह के अलावा आजमगढ़ के सगड़ी से बीएसपी विधायक वंदना सिंह भी बीजेपी में शामिल हो गई। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद अदिति ने क्या कहा, सुनिए। मेरा बस यही इरादा है कि अपनी विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा काम करूं, जैसे मेरे परिवार की हमेशा पर पार्टी रही है, गरीबों के लिए, अपनी जनता के लिए काम करूं, यही बस इरादा है। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी, जैसे हमेशा मैंने निरंतर मेहनत करी अपने क्षेत्र में, वैसे ही मेहनत करती रहूंगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में काम करूंगी और ईमानदारी से अपने क्षेत्र में जैसे हमेशा बनी रही हूँ, आगे भी बनी रहूंगी। लड़ने की पूरी तैयारी है आपकी, उसी सीट से लड़ेंगी या सीट बदल लेंगी? तो तैयार है, मैं तो उसी सीट से लड़ूंगी और बाकी पार्टी का जो डिसीजन होगा वही सबसे ऊपर है। पर बहरहाल उसी सीट पे मैंने, मेरे पिताजी 5 बार वहां से विधायक रहे हैं, मेरे ताऊजी वहां से विधायक रहे हैं, तो मैं तो वहीं से विधायक। प्रियंका गांधी कहती है जो कायर है वो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब पूरा हिंदुस्तान कायरों का देश, क्या वो कहने की कोशिश करे? बाकी कौन है कांग्रेस में, आप मुझे ये बताइए। अदिति सिंह राय बरेली सदर से कांग्रेस की सीट पर 2017 में पहली बार विधायक बनी थी। लेकिन अदिति सिंह की सबसे बड़ी पहचान है कि वो बाहुबली अखिलेश सिंह की बेटी हैं। अखिलेश सिंह 5 बार के विधायक रहे, कुछ वक्त पहले ही उनका निधन हुआ है और निधन के बाद से ही बीजेपी के ज्यादा करीब रही हैं अदिति सिंह। पिछले कुछ वक्त में सदन में जब जब वोटिंग के मौके आए, अदिति सिंह ने बीजेपी के पक्ष में वोट डाला है। कांग्रेस पार्टी उनकी सदस्यता खत्म करने को लेकर पहले ही विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख चुकी थी। रायबरेली बीजेपी के लिए सबसे कमजोर इलाकों में एक रहा है और रायबरेली की सदर सीट बीजेपी कभी जीत नहीं पाई। अदिति सिंह के तौर पर बीजेपी को एक बड़ा चेहरा जरूर हाथ लगा है। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी के लिए ये दांव फायदेमंद हो सकता है। हाल ही में अदिति सिंह ने कृषि कानूनों पर दिए बयान को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पर निशाना साधा था। तब उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी के पास मुद्दे नहीं है। मुझे सबसे पहले ये नहीं समझ में आ रहा है कि प्रियंका गांधी जी आखिर चाहती क्या हैं? जब बिल लाए गए तब उनको उससे समस्या थी, जब उनको वापस लिया गया है, रिट्रैक्ट किया गया है, तब उनको समस्या है, तो हमको फिर वो चाह क्या रही है? खुल के बताएं, वो इस पे राजनीतिकरण ना करें, इस पर खुल के बताएं कि वो फिर क्या चाह रही है। यूपी में नए साल 2022 के शुरुआती महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे देखते हुए हर नेता अपनी अपनी सियासी बिसात बिछा रहा है। तरह तरह की पॉलिटिक्स हो रही है। देखना होगा जनता किसकी बातों पर कितना भरोसा करती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।